बस में लगी आग। हापुड़ में हरियाणा से बदायूं के लिए मजदूरों को लेकर जा रही बस की वायरिंग में अचानक आग लग गई, जिसे देख मजदूरों में भगदड़ मच गई। ड्राइवर की सूझबूझ से किसी तरह मजदूरों को एक सुरक्षित स्थान पर उतारा गया। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद ARM और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मामले की जांच करते हुए पुलिस और ARM ने सभी मजदूरों को खाना खिलाया और फिर करीब 36 मजदूरों को हापुड़ डिपो की बस में बैठाकर बदायूं के लिए रवाना कर दिया। वहीं अधिकारी अभी भी पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। राम साहब, एक यहाँ बस आ रही थी रोडवेज की जो अंबाला से चली थी, जिसमें कुछ मजदूर भी सवार थे। अंबाला से बदायूं के लिए जा रही थी और इसमें जो हरियाणा से जो मजदूर हैं हमारे तो लेकर आ रही थी। ये चालक प्रचालक जो ये अनजान थे, इन्होंने रास्ता भटक गए और ये बाईपास से हो गए। यहाँ से आने के बाद जो गलत रास्ता बताया गया तो यहाँ आकर इनके अचानक ये गाड़ी परिणाम हो गई। जैसे सूचना में क्या खराबी हुई बस के अंदर, जो यहाँ बस के अंदर अचानक जो है वायरिंग में कहीं चोट हो गया और इसने स्टीयरिंग पाइप, जिन्होंने ने मुझे बताया ड्राइवर ने, स्टीयरिंग पाइप जो है प्रयोग करके निकल गया। उसको तो अटेंड कराएंगे, उसको मिस्त्री आ गए हैं, उसको दूर करके अटेंड करा देंगे, लेकिन यात्री को परेशानी ना हो इसलिए हमने अपनी बस दे दी है आप पूरी बोलते और ये बताइए तो छोड़ कर आएंगे। क्या नाम है आपका? मेजर शीशपाल सिंह। अच्छा, ये बताइए, यहाँ एक बस ख़राब हुई थी जो अंबाला से आ रही थी, इसमें कुछ मजदूर भी हैं, महिलाएं बच्चे भी हैं, क्या हुआ है? ये ग्राम ददायरे के पास बस आई थी एक अंबाला से और वो बदायूं के थे मजदूर, तो वहाँ पे हमारे गांव के पास ये बस ख़राब हो गई और उनको मजदूरों को फिर उतारे, उनको चाय पानी और नाश्ता खाना पीना दिया जहाँ, और बहुत अच्छी तरह से उनका किया स्वागत। आपको कैसा लग रहा है, सब लोग जो है लॉकडाउन में फंसे हुए थे, अपने घर जा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी सेवा करके? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं इनकी सेवा करके, क्योंकि हमें देश पे आपदा पड़ी है तो हमें भी देश के साथ सहयोग करना चाहिए। क्या नाम तुम्हारा? पुष्पराज है सर। अच्छा, आप रोडवेज बस के ड्राइवर हैं? हाँ जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम सर अम्बाड़े से बदायूं जा रहे थे। अच्छा, कितनी सवारियाँ हैं बस के अंदर? बस में 36 सवारी है। महिलाएं बच्चे? तीन चार महिलाएं हैं, उसे 8-10 बच्चे हैं, बाकी सारे। क्या हुआ बस के? बस में सर अचानक ही वायरिंग शॉर्ट होकर आग लगी थी, वो अचानक हमारे पास सिलेंडर था, उस सिलेंडर की वजह से हमने आग पे काबू पा लिया और आग लगने से इसके स्टीयरिंग पाइप और क्लच के पाइप सड़ गया, जिससे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, ये चल नहीं पाई।